हलका गणशंकर दे वाक वाक पिंडा विच अज पंजाब विधानसभा दे डिप्टी स्पीकर अते गणशंकर तो विधायक जयकरिशन सिंह रौली ने पिंडा दीआं पंचायतां दी हाजरी विच विकास कारज शुरू करवाए। इस मौके डिप्टी स्पीकर वल्लों पिंड कुनैल विखे 10 लाख रुपए की लागत नाल बनन वाले खेड मैदान दे काम की शुरुआत करवाई गई। इस मौके ओ बाल योगी स्वामी सुंदर मुन्नी बोरी वाले महाराज जी दे दरबार ते नतमस्तक होए। इस मौके उन्हां नाल बीडीपीओ गणशंकर मनजिंदर सिंह, सरपंच विनोद कुमार अते होर इलाके दे मोहतवर हाजर सन। इस मौके पत्रकारां नाल गलबात करदे होए जयकरिशन सिंह रौड़ी ने कहा कि इलाके दे पिंडां दे विच विकास पक्खों घाट नहीं आउण दित्ती जावेगी। सच्चे दरबार की अपने अपने गुरु महाराज के साढ़े जय किशन रोड़ी साहब जी आए हैं इत्थे भगवान जी दे घर आए आ। अगे भी इन्हां नूं इत्थों खुशियां प्राप्त होईआं, इन्हां ने सारिया का माण रखदे आ। हुण भी सानूं यही आस है बहुत जल्दी ही काम कराणगे और सानूं यही विश्वास है जल्दी तो जल्दी जो ट्यूबवैल का जो ग्राउंड का सारा काम कराणगे। ये अगे भी इधर कोई भी धार्मिक संस्थावां हैगीआं उन्हां दा ख्याल रखदे आ। असीं अपने छोटे भीर जयकिशन सिंह जी रौड़ी डिप्टी स्पीकर पंजाब दे बहुत धन्यवादी हाँ जिन्होंने साडे पिंड दे विच अज आके ग्राउंड दे उद्घाटन किया। साडे गढ़शंकर दे विच इदां दी ग्राउंड नहीं बनी जिहड़ी पहली बारी बन जा रही है साडे कनाल च। मैनू बहुत माण महसूस है कि साडे पिंड विच पहली बारी रौड़ी साहब ने ग्राउंड दा मूर्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हलका गढ़शंकर दे वख वख पिंड मोरांवाली बिंजू ते नाल होर जिहड़े अलीपुर नाजरपुर साधोवाल ते नाल खानपुर सारे पिंडां दे विच लगभग कूड़ा प्रबंधन दे जिहड़े आ उद्घाटन कीते गए। और अज पिंड कुनैल दे विच बाबा सुंदर मुनि जी की कृपा दे नाल, माई जी की कृपा दे नाल, सरपंच साहब पंचायत दे सहयोग दे नाल पिंड दे विच खेड ग्राउंड दा जिहड़ा उद्घाटन कीता गया जिहदी कीमत लगभग 9.5-10 लाख रुपए आवेगी। और एक लामसाल ग्राउंड जिहदे विच ट्रैक भी बनेगा और अलग अलग प्ले ग्राउंड जिवें फुटबाल वॉलीबॉल ते होर खेडां भी जिहड़ियां हैगियां उह बणगे। इहदे नाल मैं समझदा जिहदे ट्रैक दा जिहड़ा फायदा आ साडे बच्चे जिहड़े आ जिन्हां ने कि फौज विच भर्ती होना पुलिस विच भर्ती होना उन्हां लई बड़ा लाहेवंद साबित होवेगा। और खेडां नूं हां और नशिआं नूं ना दे विच इह ग्राउंड जिहड़ी है लाहेवंद साबित होवेगी। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੜਸ਼ੰਗ ਹਲਕੇ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਲ ਦੀ ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲਦ ਦੂਰ ਕਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਨੇ 15 ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਨੇ 20 ਕੰਮ ਦੱਸੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5-7 ਪਿਓਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਠਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 145 ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਬੀਡੀਪੀਓ ਸੀਗੇ ਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਭਾਵੇਂ 4-5 ਸੀਗੇ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਵਾਰਿਸ ਸੀਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਰੇ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ
वह सारे का जोड़ा आ बहुत जल्द काम शुरू कर जा रहे हैं और खास करके हलका गढ़शंकर दड़क ने तुम कित भी चले जाओ सड़क जत्तों बत्तर ने ना चलन योग ने सारियां जोड़ा है वह पास करवा दिता गया। नंगर रोड जोड़ा सड़क है कुछ दिनों में उद्घाटन करा मोरांवाली तो सैला सैले तो खुशी पद्दी और ये जी सड़क नहर के नाल लगती है और जो पिंड लिंक रोड ने जो जो खराब ने सारे का काम जो टेंडर लगभग पास हो चुके हैं। जिमें हम मौसम खुलता है क्योंकि आप सब जानते हो कि ठंड के इस मौसम के लुक नहीं पै सकती थोड़ा जहा जो मौसम खुलते हैं सारिया सड़क भी बनावे और पिंड विकास के कार्य तेजना करा हल्के कोई भी काम जो पेंडिंग नहीं छड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।